परंपरागत गीत के साथ गले लगकर दी कजलियों पर्व की शुभकामनाएं। सिलवानी सियरमऊ नगर के राम मंदिर में परंपरागत रूप से गीत के साथ रक्षाबंधन के दूसरे दिन कजलियों का पर्व मनाया गया। वहीं ग्राम सियरमऊ और ग्राम केशलोन सुल्तानगंज में भी कजलिया मिलन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान लोग गले मिले व पर्व की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। दोपहर के समय घरों में बोई गई कजलियों का अनौपचारिक चल समारोह निकाला गया। सिर पर कजलियों को रखकर बेगम नदी पर पहुंचकर विसर्जन किया गया। विसर्जन पश्चात तय परंपरा के अनुसार जमुनियापुरा स्थित श्री राम जानकी मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन पश्चात मिलन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। ग्राम सियरमऊ में भी पुराने बाजार में समस्त ग्रामवासी एकत्रित हुए। ग्रामवासियों ने मिलजुल कर तालाब में कजलियों का विसर्जन किया। लोगों के द्वारा एक दूसरे के गले लगकर जाने अनजाने बीते दिनों हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी तथा सहयोग का आग्रह किया। छोटे के द्वारा अपनों से बड़े लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पार्श्वनाथ जिनाले में चातुर्मास कर रहे मुनि समता सागर महाराज वयालक निश्चय सागर महाराज के पास पहुंचकर लोगों के द्वारा दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान नागरिक अनरय वाले घरों में भी पहुंचे तथा अनरय की रस्म पूर्ण की। यहां पर भी परिजनों को गले लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। कजलिया पर्व को लेकर छोटे छोटे बच्चे अति उत्साहित दिखे। वह भी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपनी मित्र मंडली के साथ घर घर पहुंचे तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां पर बच्चे को नगद राशि व उपहार भी दिए गए। अब खबर सुल्तानगंज से। 5 वर्षीय बच्चे की गर्दन रस्सी में उलझी, घोड़े ने 1 किलोमीटर घसीटा, हुई मौत। रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आई बहन की गोद उजड़ी, रो रो कर बुरा हाल। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सुनेटी में अपने भाई को राखी बांधने ससुराल से आई बहन के 5 वर्षीय बेटा की खेलते समय घोड़े की रस्सी से गर्दन उलझ गई, जिसको घोड़ा ने 1 किलोमीटर घसीटा। जब तक चरवाहों ने घोड़ा पकड़कर बच्चे को सुलझाया तब तक बच्चा दम तोड़ चुका था। थाना प्रभारी बीबी तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार सुनेटी ग्राम निवासी रामकिशोर बंसल की बहन तुलसाबाई जिला सागर के शहर राहतगढ़ के समीप ग्राम किशनपुर अपनी ससुराल से भाई को राखी बांधने आई थी। रामकिशोर बंसल की बहन का 5 वर्षीय बेटा टीकाराम बंसल रविवार रक्षाबंधन की शाम 6 बजे गांव के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी गिरीश दुबे के घोड़े के गले में बंधी रस्सी खूंटा से छूट गई और वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागने लगा। उसी बीच 5 वर्षीय टीकाराम बंसल के गले में घोड़े के गले से बंधी हुई रस्सी उलझ गई। सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम।